एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। इट इज यूज टू रिट्रीविंग द स्ट्रिंग्स, ट्रीज एक्सेट्रा एंड यूज विद एरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो यहाँ पे बोल रहा है पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कोड रिड्यूस कैसे होगा, मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो है हम लोग लिखे हैं, ठीक है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे पहले हम लोग एक वेरिएबल पे काम चलाते थे, अब एक और वेरिएबल ले लिए, ठीक है, तो कोड हमारा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मान के चलो 10 वेरिएबल बनाते हैं और 10 वेरिएबल को हम लोग सिंगल पॉइंटर से एक्सेस करते हैं, ठीक है, पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, हम लोग अगर एक ही वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग पॉइंटर बना के हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग उस पॉइंटर को 10 वेरिएबल के लिए यूज करेंगे, तो हम लोग को अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग को उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लोग को उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वैसा ना करके हम लोग वहां पॉइंटर यूज करेंगे, हम लोग सेम वेरिएबल यूज करेंगे लेकिन उसको एज ए पॉइंटर हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग का कोड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अलग अलग वेरिएबल लेके काम करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है मेमोरी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, हमने 10 वेरिएबल बनाया तो कितना बाइट लग गया, 20 बाइट्स मेमोरी वैसे ही लग गया, और भी दूसरे स्टेटमेंट से सबको मेमोरी मिलेगी तभी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वहां पे मेमोरी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेमोरी यूज करेगा उतना ही उसका परफॉर्मेंस स्लो होते जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वहां पे पॉइंटर का यूज करते तो पॉइंटर डायरेक्टली उस मेमोरी पे काम करेगा तो वो उसका परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। सेकंड है, वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर नॉर्मल फंक्शन अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाता है। अगर हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो हम लोग वहां से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं, एक या एक से अधिक वैल्यू हम लोग वहां से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? थर्ड पॉइंट है, इट मेक्स यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। हम लोग पॉइंटर का यूज करके जितने भी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में अटैच होंगे, ठीक है, हम लोग उसके हर एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हर एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सीक्वेंस में हो या फिर रैंडम हो, कैसा भी हम लोग मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी मेमोरी हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये एडवांटेज होते हैं पॉइंटर की। सबसे पहला एडवांटेज होता है, एक तो कोड कम कर देता है, दूसरा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है, हम लोग किसी भी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। थर्ड है, हम लोग कोई भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग इस परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा। अब मान के चलो एक छोटा सा हम लोग ने एक वीडियो गेम बनाया, ठीक है, जैसे आता है ना फ्री फायर, पबजी, सबवे सर्फर, लूडो, ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे गेम्स आते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती है। अगर लूडो की अगर हम लोग बात करें तो लूडो वाला जो गेम है, ठीक है, उसके अंदर कितनी गोटियां होती है, कहाँ चार होती है, 16 होती है। ठीक है, और उसके घर कितने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने रहते हैं ना, कितने होते हैं, नहीं काउंट किए, मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, जितना भी होगा, ठीक है, तो हर एक ब्लॉक के लिए एक वेरिएबल बना होता है। ठीक है, वहां पे 16 गोटी के लिए 16 वेरिएबल बनाया जाता है। ठीक है, मैं बनाया था एक बार, ठीक है, तो बता रहा हूँ। ठीक है, 16 गोटी के लिए 16 वेरिएबल बनेगा। ठीक है, और जितने उसके घर रहेंगे सबके लिए एक पॉइंटर बनता है, सबके लिए क्या बनेगा, एक पॉइंटर बनता है। ठीक है, जैसे ही एक गोटी वहां से निकली वो पॉइंटर पे असाइन किया जाता है, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा उसका, जैसे कि मान के चलो
हम लोग कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मान लो रेड कलर की गोटी है, ठीक है, रेड कलर की चार गोटी है, ठीक है, तो रेड में वहां पे हम लोग दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर येलो कलर की है तो उसमें 5 6 7 8, इस टाइप का हम लोग नंबर दे देते हैं। अब वहां पे जब वो गोटी निकली, मान लो 1 नंबर की गोटी निकली है, ठीक है, उसको हम लोग एक पॉइंटर में असाइन कर देंगे। अब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस चेंज करते जाएगा उसका। वो वैल्यू पहले मान लो लोकेशन 1 पे थी, ठीक है, आगे बढ़ेगी, जो भी नंबर आएगा तो प्लस उसमें कर देते हैं हम लोग, एड्रेस पे प्लस करते हैं। वो भी टॉपिक हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। हम लोग उस वैल्यू को जंप कराते हैं, क्या कराते हैं, जंप कराते हैं। वहां पे जितने पॉइंटर्स बनेंगे सिर्फ उसका एड्रेस लोकेशन चेंज करेगा वो, क्या करेगा, एड्रेस लोकेशन बस चेंज करेगा। डाइस में जितना भी नंबर आएगा, ठीक है, जैसे वहां पे आगे 4, ठीक है, और कोई भी एक घर में थी, वहां से +4 करेगा, वैल्यू तो वही है उसका, वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस चेंज करेगा उसका। तो उसका नया एड्रेस क्या हो जाएगा, +4 करके जो भी एड्रेस आएगा वो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इस टाइप के जो गेम्स होते हैं, ठीक है, अगर वहां पॉइंटर यूज नहीं करके हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगेगा कि वैल्यू वहां से लेगा, उसको असाइन करेगा, फिर वापस रिटर्न करेगा वहां पे, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट एड्रेस से करेंगे तो वहां पे हम लोग एक ही कोड बनाया है, सिर्फ एक कलर के लिए हम लोग कोड बनाया है और 4 बार उसको कॉपी कर दिए। हम लोग ने वहां पे क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया और उसको 4 बार हमने कॉल कर दिया है, और चारों फंक्शन अलग अलग काम करेगा, ठीक है। 4 कलर होते हैं ना, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक ही फंक्शन बनाया और एक ही फंक्शन काम करेगा, लेकिन वो 4 बार कॉल हो रहा है, ठीक है, और चारों बार वो अलग अलग टाइप से काम करेगा, ठीक है। कैसे, उसमें रहता है ना, एक बार ग्रीन चलेगा, फिर नेक्स्ट बार ब्लू चलेगा, फिर नेक्स्ट बार रेड चलेगा, फिर उसके बाद येलो चलेगा, फिर वापस क्या चलेगा, वहां पे एक लूप लगाया जाता है, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इस टाइप का एक लूप लगाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, लूप, अच्छा रिकर्शन पढ़े हो ना, रिकर्शन, हाँ, बस वैसे ही काम करता है, ठीक है, वापस से उसी में आ जाता है, ठीक है। तो वैसा करके वो लूप चलते जाता है। और अगर मान के चलो जो वैल्यू है, वापस वो घर पे चले जाता है, वहां पे वैल्यू हम लोग एक सेट करके रखते हैं, चारों की वैल्यू सेम हो गई, मतलब जीत गया, जिसके पहले हो जाएगी वो जीत जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एक गेम बनाया जाता है, बहुत सिंपल सा गेम बनता है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात है, तो परफॉर्मेंस अगर हम लोग इस टाइप का कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पे बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है, तो वहां पे पॉइंटर्स का यूज करके हम लोग उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि वो जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे काम करता है, वैल्यू पे काम नहीं करता। जब भी हम लोग वैल्यू पे काम करेंगे तो परफॉर्मेंस स्लो होगा, ठीक है। जैसा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 10, या एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, iOS, ठीक है, तो ये सारे इतने फास्ट कैसे चलते हैं, जैसा iOS चलता है, आईफोन चलाया हो कभी, ठीक है, वो आईफोन जो होता है कभी भी हैंग होता ही नहीं, कभी हैंग नहीं होगा, एकदम स्मूथ चलेगा वो, ठीक है, कितना भी डेटा भर लो उसमें, ठीक है, पूरा मेमोरी फुल कर दो तो भी उसका परफॉर्मेंस स्लो होता ही नहीं है, इस टाइप को उसको मैं ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करता है, बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करता है, और उसमें सबसे ज्यादा पॉइंटर्स ही यूज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब डेटा को कॉपी होने से नहीं, मतलब कॉपी जब हम लोग करते हैं, जैसे 2 इमेज हम लोग सेम सेम खींच दिए, ठीक है, वो दिखाएगा 2 लेकिन रहेगा एक ही, लेकिन एंड्रॉयड में वैसा नहीं होता, 2 फोटो खींचे तो 2 ही रहेगा एक्चुअल, ठीक है। उसको क्या करता है, वो मर्ज कर देता है, कुछ वैसा टाइप का कॉन्सेप्ट लगाया उसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉइंटर से किया जाता है, ठीक है, जब तक रियल टाइम इसका पता नहीं होगा तो ये पॉइंटर दिमाग में घुसेगा भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यूसेज पे, यूसेज ऑफ पॉइंटर, ठीक है। अब सबसे पहला यूसेज है यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब होता है कि रन टाइम पे कैसे हम लोग किसी वेरिएबल को
को, एरे को, स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम लोग मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। अब जब हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर ए लिखे और उसको कंपाइल जब हम लोग करेंगे तब उसको मेमोरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम रन कर रहा है, जब प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर हम लोग उसके बाद अगर मेमोरी चाहते हैं तब कैसे करेंगे, तो उस समय पॉइंटर का यूज होता है, ठीक है। इस टाइप के दो तीन फंक्शन बने होते हैं, ठीक है, मैलॉक, कैलॉक, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का एक टॉपिक है, उसमें 5 से 6 प्रकार के हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन क्या करते हैं, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम करते हैं, कब किसको मेमोरी देना है, कितनी मेमोरी देना है, ठीक है, कब किस वेरिएबल से मेमोरी लेना है और कितनी मेमोरी लेना है वापस, ठीक है, कब किस वेरिएबल को फ्री करना है, कब कौन सा मेमोरी लोकेशन फ्री करना है, ये सारी चीजें इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं रन टाइम पे, ठीक है, जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब, ठीक है, आया समझ में। अभी तक जितने प्रोग्राम्स हम लोग किए सब के सब कंपाइल टाइम पे ही हम लोग मेमोरी एलोकेशन कर रहे थे। अगर हम लोग मैलॉक कैलॉक इस टाइप के फंक्शंस यूज करेंगे तो हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, सीधा रन टाइम पे हम लोग जितना मेमोरी चाहते हैं उतना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एरेज, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं एरेज में, फंक्शंस में और स्ट्रक्चर्स में, ताकि जब हम लोग एरेज बनाएं तो एरेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग फास्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब मान के चलो कोई एक एरे बनाया, उसका साइज हमने 500 दे दिया, ठीक है, उसके अंदर 500 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर मान के चलो उसको एक्सेस करने में 1 नैनो सेकेंड भी लगता है, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड भी लगता है, तो 500 एलिमेंट को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, 500 नैनो सेकेंड, ठीक है। नैनो सेकेंड तो बहुत छोटी चीज है, मतलब पलक झपकते ही वो आ जाता है आंसर, देखते हो ना, सीधा रन के तुरंत आंसर आ जाता है, इतना फास्ट काम करता है। तो वो सारे डेटा को एक्सेस करना, उसको रन करना और उसे वापस रिटर्न करके वहां डिस्प्ले करना, ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है वो विद इन सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अगर वैसे ही मान के चलो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर 4-5 फंक्शन बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर 4-5 हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी एक्सेस हो रहा है और फंक्शन भी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग वहां पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलो 500 वेरिएबल हम लोग ने बना दिया है किसी भी स्ट्रक्चर का, हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, एक दो वेरिएबल बना के काम चला लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, मान लो एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, तुम लोग क्लास में कितने लोग हैं, 105 लोग हैं, ठीक है, अगर मैं 105 लोग का डेटा स्टोर करता हूँ फिर उसको एक्सेस करके वहां डिस्प्ले करता हूँ तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है, बहुत फास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर वहां पे मैं पॉइंटर बना देता हूँ और सिंगल पॉइंटर से मैं उस 105 डेटा को एक्सेस करूंगा तब क्या होगा, वो क्या करेगा, सिर्फ मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और वहां से एक्सेस करते जाएगा फटाफट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, डेटा को कॉपी करता है, डेटा को क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है, वहां पे वो कॉल बाय वैल्यू का यूज करता है, इसका यूज करता है, कॉल बाय वैल्यू का यूज करता है। जब हम लोग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस यूज करता है, उस समय वो उस लोकेशन के डायरेक्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा, वहां से वैल्यू उठा के ले आएगा और मैनिपुलेशन ओरिजिनल वैल्यू पे करेगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है, वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है, कॉपी नहीं हो रही तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है तो परफॉर्मेंस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जहां बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, बड़े बड़े डेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे पॉइंटर्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल एक दो वेरिएबल है तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जहां बड़े बड़े डेटा की बात होती है वहां पे हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया, इतना कुछ डाउट है क्या।